फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपना एमपी बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे एमपी बोर्ड रिजल्ट चेक करना बहुत ही इजी होता है, बट जो हाल ही में इस साल जो एमपी बोर्ड जो अपडेट्स निकाला है तो उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि रोल नंबर के साथ आपको एप्लीकेशन नंबर भी डालना पड़ेगा। तो अब हमारा सवाल ये उठता है कि एप्लीकेशन नंबर मिलेगा कहाँ से। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम देव सुकर्मा है और आप देख रहे हैं देव डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एंड आज ही 10 बजे जो कि बोर्ड रिजल्ट पब्लिश हुआ है 10th एंड 12th क्लास का। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और सिंपली इसमें आपको टाइप करना है mpbse.nic.in। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सब सामने ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस रिजल्ट के आइकॉन पे क्लिक करना है। आइकॉन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आप किसी भी टेप ऊपर टच कर दिए, जो ऊपर सबसे लिंक दिखेगा दोनों में से किसी पे, तो इस तरह का फिर ओपन हो जाएगा एक इंटरफेस पेज। तो 10th क्लास का चेक करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड अगर 12th क्लास का चेक करना है तो यहाँ पे, तो चलिए मैं 10th क्लास पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए आपको सामने डायरेक्टली आप देख पा रहे होंगे इंटरव्यू रोल नंबर एंड इंटर एप्लीकेशन नंबर। आप देख ही पा रहे होंगे, आप सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर मिलेगा कहाँ से। तो सबसे पहले कि आपको बहुत इजीली मिल सकता है, जो आपका एडमिट कार्ड है तो उसी पे आपका रोल नंबर होगा और आवेदन क्रमांक लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, तो आप उसे डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास आवेदन क्रमांक और रोल नंबर कुछ भी नहीं है और अगर आप नाम से खोजना चाहते हैं किसी नेम से, तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, तो आप नाम से भी अपने खोज सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, तो यहाँ पे लिखना है इंडिया रिजल्ट। यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको जो इंडिया रिजल्ट का ये आपका सबसे ऊपर इंडिया रिजल्ट का वो आ जाता है आपके पास लिंक, ये देखिए इंडिया रिजल्ट आपका है। तो सिंपल इसी पे आपको क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि सेलेक्ट योर स्टेट। तो मेरा MP सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपका मतलब कौन सा लेवल का है, रिसेंटली अपडेट जो है तो बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में क्लिक कर देता हूँ सबसे ऊपर ऑप्शन, जो भी आप कहते क्लिक कर लीजिए। एंड अब यहाँ पे बता रहा है कि नॉब अवेलेबल 10th क्लास एंड 12th क्लास, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 10th क्लास वाले में सर्टिफिकेशन। तो अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सेम वही रिजल्ट रोल नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर होगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली अपना रोल नंबर चेक रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप अपना नाम भी एंटर कर सकते हैं, तो जिससे मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ। तो अपना नेम एंटर किया तो देख रहे हैं यहाँ पे एंटर हो गया थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर से कर लेता हूँ अपना नाम इंटर किया एंड सर्च हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि इस साइड में नेम से सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि कुछ भी मिस ना हो आपका। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें। तो थोड़ा टाइम लगा फ्रेंड्स, वेट कर लीजिए। पॉज कर दूँगा वीडियो तो आप सोचेंगे कि ये स्क्रीन शॉट से दिखा रहे हैं, इसलिए आप इसको डायरेक्टली देखते रहें। तो आपको तो पता ही होगा कि रिजल्ट अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो कैसे सिंपल निकाल सकते हैं एंड इसी भी नेम से खोजना है। अगर आपके फ्रेंड आपके पास सिर्फ रोल नंबर है या फिर एप्लीकेशन नंबर है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे निकालूँ, आपको दोनों चाहिए एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर दोनों भी आपको मिल सकता है। तो
देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जितने भी देवी मिलेंगे नाम से जितना भी है, तो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। तो ये देखिए आपका ये हो गया एप्लीकेशन नंबर एंड ये हो गया रोल नंबर। तो आपको अगर रोल नंबर पता है कि हमारा रोल नंबर कितना है, शुरू लास्ट है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा अपना नेम से एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर से अगर मिल गया तो। अगर रोल नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं रोल नंबर खोजने के बाद। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप गेट पे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन गेट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसका बता दिए हैं रोल नंबर आ चुका है पूरा, ये रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ पे। एंड इसी तरह से आप भी चेक कर सकते हैं किसी का भी अपने फ्रेंड्स लोग का अपना या फिर जिसका भी एडमिट कार्ड घूम गया होगा नहीं है एप्लीकेशन नंबर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें मेरे चैनल को। वीडियो को नीचे आपको लाल बटन का एक लाल रंग का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करें एंड घंटी का बटन दबाएं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जैसे कि बंदे मात्र मिलते हैं कल सुबह।